बच्चों हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 11 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमने कल आपकी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 11.2 की थी। 11.2 में हमने 10 सम्स कर लिए थे, 11th सम पे हम आए थे। सो मेंसुरेशन में हम 11th सम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का। नाम क्या बोल रहा है ये सम? डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रॉम अ फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर है इसके जो आउटर डायमेंशन हैं 24, 28 हैं और इनर हैं 16 और 20 हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। तो आपको हर सेक्शन, ये फ्रेम का एक एक सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अगर हर किसी का विड्थ सेम है, अगर हर सेक्शन का विड्थ सेम है तो आपको क्या करना है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। सो देखो यहाँ पे, देखो ये 24 है, देखो ये 24 है, तो ये भी क्या होगा 24, ठीक है। ये 28 है तो ये भी क्या होगा 28, ठीक है। सो ये 16 है तो ये भी क्या होगा 16। अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20, ठीक है। ये 24 है तो ये भी 24, ये 28 है तो ये भी 28, ये 16 है तो ये भी 16 और ये 20 है तो ये भी 20, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो दिख ही रहा है, ये देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके एक रेक्टेंगल जैसा, देखो रेक्टेंगल एक टेढ़े रेक्टेंगल जैसा है। सो इसकी और इसकी लेंथ सेम है, इसकी और इसकी लेंथ सेम है, और यहाँ देखो ये 20, ये भी 20 है, ये 16 है, ये भी 16 है, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। अब एरिया ऑफ ईच सेक्शन मतलब क्या होगा, मतलब ये सेक्शन क्या हुआ, देखो ये ट्रेपेजियम हुआ, ये ट्रेपेजियम हुआ, ये ट्रेपेजियम हुआ, ये ट्रेपेजियम हुआ, ठीक है। सो ये चार सेक्शन हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ठीक है। सो इसका आपको क्या फाइंड करना है, एरिया, एरिया ऑफ सेक्शन ए, एरिया ऑफ सेक्शन बी, एरिया ऑफ सेक्शन सी, एरिया ऑफ सेक्शन डी। सो ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 11th नंबर, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के लिए देखो किस तरह से है, ठीक है। सो ये ठीक है। सो ये 24 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये देखो ये 24 है, ये 16 है, ये 28 है, ये 20 है, ठीक है। सो यहाँ आप देखो ध्यान से, तो ये क्या है, ये पूरा है, ये देखो ट्रेपेजियम बन रहा है ना, ये देखो ये ए, ये मैंने अभी अभी आपसे बात की, बी सी डी। तो आपको हर सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये 20 है, ये इतना 20 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 28, ठीक है। ये 20 है, ये दिया हुआ है 28, ठीक है। सो देखो यहाँ कितना रहा, यहाँ देखो 28 में से 20 गया तो कितना बचा, 8 बचा ना, मतलब इतनी साइड 4 है और इतनी साइड भी क्या है 4 है, ठीक है। सेम इधर है, ये 16 है, ये 24 है, ठीक है। 24 में से 16 गए 8, मतलब इतनी साइड भी 4 है और यहाँ इतनी साइड भी 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। हाइट क्या होगी, 4। सो देखो ये ट्रेपेजियम ए और ट्रेपेजियम सी सेम है और ट्रेपेजियम बी और ट्रेपेजियम डी सेम है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, आपको इसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन का एरिया फाइंड करो, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन। सो एरिया ऑफ सेक्शन ए
कौन सी शेप में है? ट्रेपेजियम. इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन सी, ट्रेपेजियम. सो इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच. ठीक है, आपको पता है ना ट्रेपेजियम का यही फॉर्मूला होता है हाफ. सो ए क्या है हमारा? ए है 16, ए है 24, या ए है 16 और बी है 24. सो 16 प्लस 24. और आपकी हाइट क्या है? सो हाइट देखो, मैंने अभी अभी बताया था 24 में से 16 माइनस किया तो 8 बचा, 24 में से 16 माइनस किया तो 8. तो यहाँ देखो, इतने में से ये माइनस किया तो देखो इतना बचा, इतना बचा. सो ये दोनों क्या होगा? डिवाइड होगा ना, दो है, देखो दो है ना. सो 8 डिवाइड 2 तो क्या होगा? 4. सो मतलब ये भी 4 है और ये भी 4 है. ठीक है, पता लगा हाइट कैसे आई? सिंपली देखो 24 में से 16 माइनस किया, 8 बचा, और देखो ये दो टुकड़े बच रहे हैं. सो दो टुकड़े हैं तो डिवाइड 2 होगा, सो 4 आया. ठीक है, सो हाइट आपकी क्या आई? 4 आई. सो यहाँ हाइट क्या लिखेंगे? 4. ठीक है, सो हाफ 16 और 24 कितना होगा? 44. ठीक है, सो 2 1 जा 2 2 जा, सो 42 जा 80. ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्शन ए क्या है? एरिया ऑफ सेक्शन ए और एरिया ऑफ सेक्शन सी क्या है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन ए, एरिया ऑफ सेक्शन सी है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ सेक्शन बी और एरिया ऑफ सेक्शन डी फाइंड करना है. ठीक है, सो यहाँ देखो, इसका ए क्या है? 20, इसका बी क्या है? 28, और हाइट क्या है? 4. ए 20, बी 28, और हाइट क्या है? 4. सो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी, ठीक है. सो क्या होगा? इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच. ठीक है, सो हाफ ए प्लस बी क्या है? सो ए है 20 और बी है 28. ठीक है, सो 20 प्लस 28, ये 20 है और ये 28 है. ठीक है, सो 20 प्लस 28 इंटू 4. ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे. सो हाफ 20 क्या है? ये देखो, इसकी बात हो रही है ना, ये देखो, ये देखो, ये 20, ये 28. और हाइट क्या हुई? फिर से देखो, वैसे ही 28 में से 20 माइनस होगा. सो 28 में से 20 माइनस हुआ, क्या बचा? 8. और क्योंकि ये दो पासे हैं, देखो ये एक और ये दो, ये दो पासे हैं, सो क्या होगा? डिवाइड 2. सो 8 डिवाइड 2 क्या होगा? 4. ठीक है, सो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 4. ठीक है, ये पहले ही मैंने लिख ही दिया था. खैर, अच्छा 28 प्लस 20 कितना होगा? 48. सो 48 4. ठीक है, सो 2 1 जा 2 2 जा, सो 48 2 जा करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 96. सो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सो ये हुआ आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी और डी. सो देखो, ए और सी का कितना एरिया है आपका? 80, और बी और डी का एरिया क्या है? 96. तो इन्होंने क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि आप एरिया फाइंड करो. ठीक है, सो इसी तरह से हमने सिंपली, ये एक पूरी फिगर थी और इन्होंने हमें कहा था कि हर सेक्शन का एरिया फाइंड करो. ठीक है, सो इसी तरह से हमने हर सेक्शन का एरिया फाइंड किया. ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स की तरफ. सो आगे का टॉपिक है हमारा सॉलिड शेप्स. ठीक है, सो सॉलिड शेप्स अब हम टॉपिक देखते हैं. सो सॉलिड शेप्स, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था? आप यहाँ किस किस के साथ डील करोगे? आप एरिया के साथ, आप पेरीमीटर के साथ, वॉल्यूम के साथ, इन सब चीजों के साथ डील करोगे. ठीक है, सो अब सॉलिड शेप्स में हम सबसे पहले देखते हैं क्यूब. ठीक है, सो क्यूब, क्यूब आपको पता है क्यूब कैसे बनता है? सो मैंने पहले ही बताया था, स्क्वायर होता है. सो इस तरह से ये स्क्वायर, ठीक है, सो इस तरह से क्यूब ड्रॉ किया जाता है. तो ये बन गया मेरा क्यूब. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो देखो यहाँ पे सारे, आप देखोगे सारे साइड्स इक्वल होते हैं. जो क्यूब के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
देखो ये एल है, ये सब एल ही एल है, ठीक है, सारे साइड्स एल होंगे, अंदर बाहर एल, सब सेम होगा. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L², ठीक है. अगर साइड एल है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L², ठीक है. सो ये एक पहला फॉर्मूला हुआ आपका क्यूब का. सो राइट दिस फॉर्मूला 10 times, ठीक है. फॉर्मूला जरूर लिखनी है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L², ठीक है. अच्छा इसके बाद देखें, इसके बाद है क्यूबॉइड, ठीक है. सो क्यूबॉइड कैसे बनाया जाता है? सो क्यूबॉइड भी एक सॉलिड शेप है, ठीक है. इसे कैसे ड्रॉ किया जाता है? इस तरह से, ठीक है. सो इस तरह से, ठीक है. सो ये क्या है? क्यूबॉइड, ये रेक्टेंगल शेप्ड है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? सो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का. सो यहां देखो, यहां लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है. क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 LB + BH + HL, ठीक है. क्या फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का? 2 LB + BH + HL, ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है. सो ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ठीक है. सो इसके बाद अभी हम देखेंगे सिलेंडर, ठीक है. सिलेंडर भी एक सॉलिड शेप ही होता है. सो हम अब सिलेंडर को ड्रॉ कर लेते हैं. सो सिलेंडर कैसे होता है? सो सिलेंडर की शेप हम दिखाते हैं आपको बच्चों. सॉलिड शेप में जो मैंने आपको बोला था तीसरा है, तो वो है सिलेंडर. सो सिलेंडर के लिए, सो देखो सिलेंडर, ठीक है. सिलेंडर कैसे ड्रॉ होता है? सो सिलेंडर देखो इस तरह से होता है, ये आपका, ठीक है. इसे सिलेंडर कहा जाता है. सो यहाँ देखो, ये यहाँ से ये इसका रेडियस होता है, ये एक सर्कल ही होता है, ये देखो दोनों साइड सर्कल ही होता है और ये इसकी हाइट होती है, ठीक है. सो ये एक सिलेंडर हो गया. सो ये एच हुआ, ये सिलेंडर का हाइट हुआ और ये इसका रेडियस हुआ, ठीक है. सो सिलेंडर के भी फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो सिलेंडर के दो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे. दो, पहले तो सिलेंडर मतलब कई बार ही देखो सिलेंडर जैसे यहाँ देखो जैसे मेरे पास ये पेन होल्डर है, हाँ. तो ये देखो पेन होल्डर है. सो ये पेन होल्डर यहाँ से खुला है, ये देखो खुला है और यहाँ से क्या है? बंद है, ठीक है. सो कई बार ये ऐसा होता है, सिलेंडर ऐसे भी होते हैं कि दोनों साइड से खुले हैं, यहाँ से भी खुला यहाँ से भी खुला. सो ऐसा कोई सिलेंडर हो जो दोनों साइड से खुला है तो उसे हम कहते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब खाली साइड्स की हमें एरिया निकालनी है, ठीक है. सो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है. तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस, लेटरल मतलब साइड, ठीक है. कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? 2πRh, ठीक है. 2πRh क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर या लेटरल, लेटरल मतलब साइड, साइड क्योंकि हम ऊपर नीचे को काउंट नहीं कर रहे हैं. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या तो लेटरल, इसके दो नाम है, या तो लोग उसे CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बोलते हैं, या तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है. CSA ऑफ सिलेंडर या LSA ऑफ सिलेंडर. सो क्या फॉर्मूला है? 2πRh. सो आमतौर पर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, पर कई बार दोनों साइड से, जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई ये सिलेंडर है तो यहाँ देखो एक साइड से बंद है और दूसरी साइड से भी बंद है. सो क्या होगा फॉर्मूला? TSA ऑफ सिलेंडर. क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है. सो दोनों को प्लस करेंगे. सो प्लस इन द सेंस, ये 2πRh तो है ही, देखो ये 2πRh तो है ही,
तो इसमें देखो ये एरिया ऑफ सर्कल भी प्लस होगा पाई आर स्क्वायर, ये भी प्लस होगा। सो फॉर्मूला क्या तैयार होगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देती हूँ। तो फॉर्मूला क्या तैयार होगा आपका, 2πr r + h, ठीक है। सो ये फॉर्मूला रेडी होगा आपका। कैसे हुआ, इस फॉर्मूला में प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया और फिर कॉमन निकाला, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट आपको फाइनल फॉर्मूला ही लिख दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है आपका 2πr r + h, ठीक है। सो ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका सिलेंडर का टी एस ए, ये है सी एस ए या एल एस ए। तो दो फॉर्मूला सिलेंडर में याद करनी है, 2πr h और 2πr r + h, ठीक है। सो ये भी आपको 10 टाइम्स लिखना है एंड ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है 10 टाइम्स, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं सॉलिड शेप्स की, अच्छे से लिख के आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। सबसे पहले थी क्यूब की, सो टी एस ए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6l² फिर थी क्यूबॉइड की, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 (lb + bh + hl), तीसरी फॉर्मूला है सिलेंडर की, ठीक है। सो अब हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। सो इन फॉर्मूलाज के लिए मैं फिर से बता दूँ, देखो क्यूब में आपको ओनली लेंथ होना चाहिए, जब भी आप क्यूब का फॉर्मूला कर रहे हो सो क्यूब की फॉर्मूला में आपको लेंथ होनी चाहिए, तो ही आप क्यूब का 6l² फाइंड करना पाओगे। क्यूबॉइड की फॉर्मूला यूज़ करनी है तो आपके पास लेंथ भी होनी चाहिए, ब्रेथ भी होनी चाहिए एंड हाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करना है तो एल बी एच तीनों होने चाहिए, तीनों डायमेंशंस, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एंड अगर आप सिलेंडर कर रहे हो, आपको सिलेंडर का एरिया फाइंड करना है तो आपके पास आर भी होना चाहिए एंड आपके पास एच भी होना चाहिए, ठीक है। सो टी एस ए ऑफ सिलेंडर है 2πr r + h, ठीक है। सो नाउ इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम फाइनली हमारा एग्जाम्पल 4 स्टार्ट लेते हैं। सो वॉट इज अवर एग्जाम्पल 4, सो एग्जाम्पल 4 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 4 Example 4 बोल रहा है, an aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are 80, 30, 40, ठीक है। एक cuboid shape का aquarium है, ठीक है, fish tank है, aquarium का मतलब fish tank होता है, एक fish tank है जो कि cuboid shape में है, उसका length है 80, breadth है 30 और height है 40। ये क्रॉस 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 करके लिखा हुआ है, मतलब L क्रॉस B क्रॉस H लिखा हुआ है। द बेस साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद द कलर्ड पेपर, इन्हें किन से कवर करना है, कलर्ड पेपर से कवर करना है। सो आपको एरिया ऑफ द पेपर निकालना है। सिंपल से इसने क्या बोला है, ये जो फिश टैंक है कौन सी शेप में, क्यूबॉइड शेप में है। फिश टैंक कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, और इस क्यूबॉइड शेप का इन्होंने लेंथ ब्रेथ हाइट जब क्रॉस क्रॉस करके देते हैं, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट है, ठीक है। सो फाइंड द एरिया ऑफ कलर्ड पेपर, आपको एरिया ऑफ कलर्ड पेपर फाइंड करना है, ठीक है। सो क्यूबॉइड दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल 4 में, सो क्यूबॉइड, ठीक है, सो लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, 80 cm, 30 cm एंड 40 cm, ठीक है। सो आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का। इन्होंने क्लियरली बोला है एक्वेरियम क्यूबॉइड शेप में, सो एरिया हमने, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सो ये देखो, ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, ये हाइट हुआ। सो लेंथ है 80, ब्रेथ है 30, हाइट है 40। ये आपको ऐसे क्लियर नहीं बोलेंगे भाई ये लेंथ ब्रेथ हाइट है, समझो, ये ऐसे बोल देंगे कि डायमेंशंस है। जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, एक्सटर्नल मेजर्स, एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 × 30 × 40, इसका मतलब लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट, ठीक है। सो आपको एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया इस क्यूबॉइड के लिए लगेगा। सो एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे हम। बच्चों देखो, तो आपको क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि आपको एक्वेरियम है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप एक्वेरियम है, उस पर कलर्ड पेपर लगाना है। सो देखो ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है, सो ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। सो इस क्यूबॉइड पे आपको कलर पेपर लगाना है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, आपको इस पर कलर पेपर लगाना है। सो ये हुआ आपका लेंथ, ये है आपकी ब्रेथ और ये है आपका हाइट, ठीक है। सो सेम ये भी, ये लेंथ हुई, ठीक है, ये ब्रेथ हुई और ये क्या हुई आपकी हाइट, ठीक है, फिर से ये आपकी लेंथ हुई, ठीक है, ये आपकी ब्रेथ हुई
ठीक है, और ये हुई आपकी हाइट, ठीक है। सो इस तरह से तो आप देखो कलर पेपर लगाना है, कलर तो ऑब्वियसली आप पेपर एरिया क्या होता है, वैसे एरिया वर्ड क्या होता है, तो एरिया मतलब अंदर और बाहर सब कुछ, सबको जो मतलब आउटर और इनर दोनों, पर कलर पेपर अंदर तो नहीं लगना है, कलर पेपर तो कहाँ लगेगा, सिर्फ यहाँ बाहर लगेगा, ठीक है, यहाँ लगेगा ना, पेपर लगाना है, कलर पेपर लगाना है, बाहर लगेगा, ठीक है। सो यहाँ एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या बनेगा वो सोचो। देखो मैंने आपको TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या बताया था, TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 LB + BH + HL। कैसे, तो देखो ये दो साइड्स मतलब ऊपर नीचे ये दो साइड, आगे पीछे ये दो साइड, और इस साइड और बैक साइड दोनों साइड। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे सपोज ये मेरा क्यूबॉइड है, ठीक है, ये बुक मेरी क्यूबॉइड है, ठीक है। सो देखो देखो ये और ये, फिर ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। सो मतलब टू सब डबल, सब ट्वाइस है ना, देखो सब डबल होता है TSA ऑफ क्यूबॉइड में। पर यहाँ देखो कलर पेपर कहाँ लगना है, चारों तरफ, ऐसे मतलब चारों तरफ लगना है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ नीचे के हिस्से में कलर पेपर, यहाँ देखो इस साइड लगेगा कलर पेपर, ठीक है, इस साइड लगेगा। सो दो साइड मिसिंग है यहाँ पे, दो साइड, क्योंकि कलर पेपर लगाना है हमें, पूरा अंदर तक तो कुछ भरना नहीं है, सिंपली हमें ऊपर ऊपर से कलर पेपर लगाना है। सो कलर पेपर में देखो ये दो साइड कवर होंगे, ठीक है, ये दो साइड कवर होंगे, पर ये जो बाकी के दो साइड्स हैं वो कवर नहीं होंगे, ठीक है। सो कौन से दो साइड्स कवर नहीं होंगे, सो जो दो साइड्स कवर नहीं होंगे वो हैं, तो देखो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट और लेंथ ये कवर नहीं होंगे, अकेला ये कवर होगा दोनों साइड, ब्रेथ और हाइट। देखो ये ब्रेथ है, हाइट है, इस साइड से भी कवर होगा, ब्रेथ, देखो ब्रेथ हाइट इस साइड से भी कवर होगा, ब्रेथ हाइट इस साइड से भी, इस साइड से भी, ठीक है, क्योंकि कलर लगना है ना, बाहर ही लगना है। सो आपकी फॉर्मूला क्या बनेगी, सो एरिया टू बी कवर्ड विद पेपर, मतलब एरिया जो पेपर से कवर करने वाले हो कौन सी होगी। सो देखो वैसे फॉर्मूला में 2 LB + BH + HL होगा, पर खाली 2 तो यही होगा, ठीक है, इसमें एक ही साइड पे कलर पेपर लगेगा और यहाँ भी एक ही साइड पे लगेगा, ठीक है। सो फॉर्मूला कैसे सेट होगी हमारी, फॉर्मूला होगी LB, ये 2 LB नहीं है, प्लस BH के साथ 2 लगेगा, 2 BH + HL, ठीक है, समझे। मतलब इसने एक्वेरियम बोला, इसने कलर पेपर, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, ठीक है। सो वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्वेरियम की बात कर रहा है, ठीक है, कि ये एक्वेरियम है तो ऑब्वियसली कलर, उसको कलर पेपर लगाना है तो ऐसे ही तो लगेगा कलर पेपर, ठीक है। अब बस लगा लो। सो देखो लेंथ क्या है आपकी, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला समझाना था मुझे, इसके लिए देखो अलग ही फॉर्मूला लगा है, क्यूबॉइड का ही, ये है क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला, पर इसमें हमें यहाँ से एक एक काट लेना है LB और यहाँ से एक HL काट लेना है, ठीक है। सो LB क्या है 18 × 30 + 2 BH क्या है 13 × 40 + HL क्या है 14 × 80, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे हम, 8 × 3 = 2400, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 2400 प्लस 4 × 3 = 12 × 2 = 2400, ठीक है, और फिर यहाँ पे 4 × 8 = 32 और 20, ठीक है। सो कैसे सॉल्व किया इसको, देखो 80 × 30 = 230, 42 × 3 = 64 = 24 और 4 × 8 = 32, ठीक है। सो इसको प्लस कर दें सबको, सो 24, 24 और 32, सो 24, 24, 32, सो 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ये क्या हुआ 80, ठीक है। सो 80 और 20, ठीक है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, 8000 cm². सो एरिया टू बी कवर्ड विथ पेपर, जो कलर पेपर लगाना है 8000 cm², ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 5। द इंटरनल मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम आर 12, 8, 4। अब यहाँ पे एक रूम का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये रूम है, ठीक है, क्यूबॉइडल ऑफ रूम है, क्यूबॉइडल रूम है, एक क्यूबॉइड शेप में रूम है,
उसका लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर, हाइट है 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल फोर वॉल्स, चारों दीवारों को कलर करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स इज ₹5 per meter square, अगर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है 4 meter square, ₹5 per meter, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ सीलिंग ऑफ वाइट वॉशिंग, द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश्ड, अगर सीलिंग भी वाइट वॉश करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं। यहाँ पे क्यूबॉइडल रूम की बात हो रही है, देखो वो भी क्यूबॉइड था, ये भी क्यूबॉइड था, वहाँ एक्वेरियम था। ठीक है, और यहाँ रूम्स की बात हो रही है। सो रूम, क्यूबॉइडल रूम को आपको वाइट वॉश करना है, मतलब आपको कलर कराना है, चूना लगवाना है। ठीक है, रूम के अंदर आपको चूना लगवाना है या कलर कराना है, वाइट वॉश करना मतलब पुताई कराना। सो ये लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल फोर वॉल्स ऑफ अ रूम, आपको अगर चारों रूम को वाइट, चारों वॉल्स को वाइट वॉश करना है तो उसका कॉस्ट बोलो। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 per meter square, अगर 1 meter square का कॉस्ट ₹5 है तो कॉस्ट बोलो। सो अब यहाँ देखो, ये आपको लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रेथ दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और आपको चारों रूम्स को कलर करने का कॉस्ट बताना है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, 1 meter square ₹5 है। अब क्या करें, तो देखो फिर से वहीं पे वही बात आ रही है, पहले आपको समझना है फॉर्मूला क्या सेट होगा। अब यहाँ ये कह रहा है ना ऊपर पेंटिंग करानी है ना नीचे, ऑब्वियसली आप जब कलर कराते हो दीवारों को ही कलर कराओगे ना। कह रहा है सिर्फ चारों दीवारें, जो रूम में चार दीवारें होती, एक रूम चार दीवारियों से बनता है, तो कह रहा है उन चार दीवारों को ही कलर कराना है, ना नीचे ग्राउंड पे भी कलर नहीं कराना है, ना सीलिंग पे भी कलर कराना है, सिर्फ चार दीवारों पे। तो अगर आपको सिर्फ चार दीवारें कलर करानी है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये मैं आपको अलग से फॉर्मूला लिखाती हूँ। सपोज आपको सिर्फ चार दीवारें कलर करानी है, ठीक है, हमने एक टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ा, एक और फॉर्मूला मैं आपको क्यूबॉइड में डलवाती हूँ, लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, एक और फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मैंने ये क्यूबॉइड वाला आप फॉर्मूला वाला पेज निकाला है। सो फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, या तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार वॉल्स का एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों वॉल्स का। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला बनेगी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ फोर वॉल्स का। सो फॉर्मूला आपका ऐसे सेट होगा, देखो चारों दीवारें हैं, ठीक है, चारों दीवारों पे ही कलर करना है, तो आपको ना ऊपर कलर करना है ना नीचे कलर करना है। ठीक है, सो आपका जो है ये LB गायब हो जाएगा, क्यों, ना ऊपर का हिस्सा काउंट करना है ना, क्योंकि चारों तरफ ही तो कलर करना है, ना ऊपर काउंट करना है ना नीचे, तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, LB गायब हो जाएगा। सो फॉर्मूला क्या बनेगी, 2 ब्रैकेट में BH+HL। ठीक है, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला या एरिया फोर वॉल्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट में BH+HL। ठीक है, सो ये है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया फोर वॉल्स, 2 ब्रैकेट में BH+HL, LB को गायब कर देना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर और थोड़ा अच्छे से लिखना है, सो 2H कॉमन निकल रहा है, ठीक है, सो 2L+B ब्रैकेट में H बाहर, 2L+B H यहाँ। ठीक है, सो ये है लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला या तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला, जो भी बोल दो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलो या एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलो। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला है ये, सो 2 ब्रैकेट में L+B × H। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को भी आपको कितनी बार लिखना है, 10 times। ठीक है, सो इस तरह से ये हुआ आपका क्यूबॉइड का सम। ठीक है, 2 ब्रैकेट में L+B × H, सम नहीं हुआ, ये तो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। ठीक है, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एरिया फोर वॉल्स क्या होगा, 2 ब्रैकेट L+B × H। सो अब हम एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5 इसी फॉर्मूला के बेसिस पे करना है।
इसमें LSA ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ फोर वॉल्स वाला फॉर्मूला लगेगा. सो यहाँ पे क्यूबॉइडल रूम की बात हो रही है. लेंथ, ब्रेथ, हाइट 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर. ठीक है, सो लेंथ है हमारा 12. और क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट वाइट वॉशिंग, मतलब चारों दीवारों को वाइट वॉश करना है, उसका टोटल कॉस्ट फाइंड करना है. टोटल कॉस्ट फाइंड करना है वाइट वॉशिंग का. सो 1 मीटर स्क्वायर रुपीज 5 है, 1 मीटर स्क्वायर रुपीज 5, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट फाइंड करना है. फिर एक और दूसरा सवाल भी कर रहा है, ये एक पहला सवाल किया है इसने, दूसरा सवाल इसी में ही किया है. व्हाट विल बी द कॉस्ट, देखो दूसरा मतलब यहीं पे देखो दूसरा क्वेश्चन भी कर रहा है. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश, मतलब अगर ऊपर से व्हाइट वॉश किया नीचे से नहीं तो क्या होगा. ठीक है, सो दो सवाल कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इंक्लूडिंग सीलिंग. ठीक है, मतलब आपको चारों दीवारों के साथ सीलिंग को भी कलर करना है तो क्या कॉस्ट होगा. ठीक है, सो यहाँ इसने दो सवाल किए हैं. तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स का निकालेंगे. सो आंसर 1, सो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वॉल्स. ठीक है, ये वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है, चारों दीवारों को. सो चारों दीवारों को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट, तो इससे पहले एरिया निकालो. सो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या है, अभी अभी फॉर्मूला मैंने आपको 10 टाइम्स बोला लिखने के लिए, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच. ठीक है, मतलब चारों दीवारों को कलर करना है तो ये. सो 2L क्या है आपका, लेंथ है 12. आपका ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है आपका 8 और हाइट क्या है 4. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या सेट होगा आपका, फॉर्मूला सेट होगा 2L प्लस बी, 12 प्लस 8 क्या होगा 20 और 4. ठीक है, सो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, सो 160 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो ये चारों दीवारों का एरिया आया. अब आपको क्या करना है, चारों दीवारों का एरिया आ गया, अब आपको चारों दीवारों का कॉस्ट बताना है. तो 1 मीटर स्क्वायर रुपीज 5 है, सो 160 मीटर स्क्वायर कितना. ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर रुपीज 5, सो 160 मीटर स्क्वायर कितना. ठीक है, सो कॉस्ट इज इक्वल टू 160 इंटू 5. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करो 160 को 5 से, 160 5 जा 500, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8, सो 800 रुपीज. ठीक है, कॉस्ट इज इक्वल टू 800 रुपीज. ठीक है, कितना कॉस्ट आएगा अगर मुझे चारों दीवारों को कलर कराना है, तो मेरा कॉस्ट आएगा 800 रुपये. पहले मेरे को एरिया निकालना पड़ा भाई, एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होगा. ठीक है, सो एरिया ऑफ फोर वॉल्स है. ठीक है, और इसका ये कॉस्ट है. ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि अगर सीलिंग भी कलर करानी है चारों वॉल्स के अलावा, ये चारों वॉल्स का था. ठीक है, अब आपको अगर एक सीलिंग भी, मतलब चार दीवारें तो करानी है. देखो रूम में होता क्या है, चार दीवारें होती हैं, चारों तरफ से दीवारें. रूम कैसे होता है, आसपास चार दीवारें होती हैं, ऊपर छत होती है, नीचे जमीन होती है. तो कह रहा है इन चारों दीवारों के साथ आपको ऊपर की छत भी कलर करानी है. तो देखो फॉर्मूला में जो मैंने फॉर्मूला लिखाई थी उसमें हमारा एल भी कट गया था, ऊपर का भी कट गया था, नीचे का भी कट गया था. ठीक है, एल बी ऊपर का भी कट गया था, नीचे का भी कट गया था. तो ये बोल रहा है कि भाई एल बी इंक्लूड करो. एल बी क्या करना है, इंक्लूड करना है. सो यहाँ करोगे प्लस एल बी. ठीक है, सो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इंक्लूडिंग सीलिंग. सो सीलिंग को भी गिनना है. सो नाउ एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल्स इंक्लूडिंग सीलिंग. ठीक है, सो सीलिंग आप वाइट वॉशिंग इंक्लूडिंग सीलिंग करोगे. सो क्या आएगा आपका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो देखो पहले तो ये है ही 2L प्लस बी इंटू एच, ये तो है ही. ठीक है,
सो इसमें देखो छत भी ऐड कर देनी है, ये कह रहे हैं भाई सीलिंग भी प्लस करो, सो सीलिंग का प्लस एल बी। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, नए नए फॉर्मूलाज क्यों बन रहे हैं। देखो फॉर्मूला पूरे क्यूबॉइड का है, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, पर जब मैंने बोला खाली चार दीवार है ना, ऊपर का हिस्सा ना नीचे का हिस्सा, तो क्या उड़ गया उस टाइम, एल बी उड़ गया। ठीक है, अब मैंने फिर बोला कि भाई नहीं अब सीलिंग भी ऐड करनी है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल्स में ये एल बी ऐड हो गया। ठीक है, सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो टू एल क्या है आपका, लेंथ क्या है 12, ब्रेथ क्या है 8 और हाइट है 4, प्लस एल क्या है 12, ब्रेथ है 8। ठीक है, सो 2 12 प्लस 8 होगा 24, प्लस 12 8 जा 96 होता है। ठीक है, सो 2 जा 4, 4 जा 16, सो 160 प्लस 96, सो 160 और 96 को प्लस करेंगे, सो 160 और 96, सो 6 9 और 6 15, सो 256, सो 256 है आपका। सो क्या आया 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि इसका कॉस्ट क्या होगा। सो हमने पहले क्वेश्चन में ही हमको लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹5। ठीक है, सो 256 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, सो मल्टीप्लाई करो, सो कॉस्ट इज इक्वल टू 256 इंटू 5, सो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सो 1280 रुपीस। ठीक है, मतलब देखो अगर सिर्फ चारों दीवारें ही कलर करानी है तो आपका कॉस्ट क्या आएगा, अगर सिर्फ चारों दीवारें कलर करानी है सो कॉस्ट आएगा ₹800। अगर आपको साथ में सीलिंग भी ऊपरी हिस्सा भी कवर कराना है, छत का कलर कराना है, सो आपका आंसर होगा ₹1280। ठीक है, सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल फॉर, बहुत ही ज़्यादा एक टिपिकल एग्जाम्पल था। ठीक है, सो अब हम करते हैं एग्जाम्पल 6। ठीक है, सो एग्जाम्पल 6 क्या है, सो एग्जाम्पल 6 है आपका सिलेंडर वाला। ठीक है, हमने सिलेंडर का फॉर्मूला भी सीखा था, दो फॉर्मूला सीखे थे सिलेंडर के। मैंने आपको ये भी बोला था कि उन दो फॉर्मूला में से एक पहला जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, हमेशा पहले वो लगाया जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 6 क्या है, एग्जाम्पल 6 देखो, इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, एक बिल्डिंग में 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं। ठीक है, 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हर पिलर का रेडियस क्या होगा, हर पिलर का रेडियस है 28 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 पिलर्स हैं, ऐसे 24 पिलर्स हैं, कौन सी शेप में है, सिलेंडर में, सो ऐसे सिलेंडर शेप में पिलर्स हैं और रेडियस है 28 और हाइट है 4। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब इन्हें पेंट करना है, इन्हें पेंट करना है, पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस। अब देखो उसने क्लियर क्वेश्चन में ही कर्व्ड सरफेस बोल दिया कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस। सो यहाँ देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस की फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई थी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, ये देखो क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, 2πRh। ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2πRh। ठीक है, सो 24 पिलर्स हैं और हर की रेडियस 28 है, हाइट है 4 है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स, तो आपको सारे पिलर्स को पेंट करने का कॉस्ट निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर ₹8 के बराबर है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 6 क्या होगा, एग्जाम्पल 6 देखते हैं, सो एग्जाम्पल 6 इज इक्वल टू, ठीक है कितने पिलर्स हैं, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर्स, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर्स कितने हैं 24, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, CSA, आपको कॉस्ट फाइंड करना है अगर 1 मीटर स्क्वायर ₹8 है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है,
और मतलब सी एस ए ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ ये देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, मीटर में। सो क्या करोगे, सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 100, 28 डिवाइड 100 मीटर, ठीक है। सो 28 डिवाइड 100 मीटर लगेगा। सो क्या करेंगे, दो एक दो 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 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, 0.28 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। हमेशा यूनिट सही कर देनी चाहिए। देखो यूनिट आपको डिफरेंट नहीं लिखनी है, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर ही होगा, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर नहीं चलेगा, यूनिट हमेशा ध्यान देना, यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट अलग होगी आंसर गलत आएगा। सो 2 पाई क्या होता है, पाई देखो पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है। सो 22/7 ये आपको पता होना चाहिए, पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हो तो अच्छी बात है, नहीं दी हो तो 22/7 ही लेनी पड़ती है। आर क्या है, 0.28, हाइट क्या है 4, ठीक है। सो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 पॉइंट है, सो पॉइंट हटाएंगे, सो 28/100 और 4, ठीक है। सो 7 की टेबल लगाएंगे, 7 वन जा 7 फोर जा 28, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे, 4 वन जा 4 टू जा 8, 2 बचे 4 फाइव जा 20, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो 22 टू जा 44, 44 फोर जा करेंगे, सो 44 फोर जा और डिवाइड 25, ठीक है। सो 44 फोर जा आंसर क्या आएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो अभी और भी करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे कॉस्ट फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है कितने पिलर्स का, 24 पिलर्स का, ठीक है। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ और 24 के साथ भी, क्योंकि एक मीटर स्क्वायर ये मेरे को कितना, ये एक पिलर का कॉस्ट, ये एक पिलर का सी एस ए आया, ठीक है। ये सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या है, एक पिलर का आया, ठीक है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या आया, ये एक पिलर का आया, तो ऐसे हमें कितने पिलर के सी एस ए फाइंड करने हैं, हमें ऐसे कितने, 24 पिलर्स के फाइंड करने हैं, 24, ठीक है। और कॉस्ट भी फाइंड करना है कि 1 मीटर स्क्वायर ₹8 है, ठीक है। सो फॉर 24 सिलेंडर्स और कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹8, ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर ₹8 है, सो क्या करेंगे, 24 और 8 को मल्टीप्लाई, ठीक है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 8 को 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 44 × 4 / 25 × 4 ये 24 और 8, ठीक है, 24 और 8, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, सो आंसर आपका पॉइंट में ही आने वाला है, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, 44, 4, 24, 8, चारों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो इज इक्वल टू 33792 / 25, ठीक है। सो 44, 4, 24, 8, ठीक है, 33792 / 25 करेंगे, ठीक है। सो 25 को डिवाइड करें, 25, 33792, ठीक है। सो 25 वन जा 25, ठीक है। सो 8 बचा 7 नीचे उतारेंगे, ठीक है। सो 25 3 जा 3 5 जा 3 जा 6, ठीक है। 25 3 जा 75, ठीक है। 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गए 1, 9 नीचे उतारेंगे, सो 25 4 जा 4 5 जा 24 जा 9 10 100, ठीक है। सो 25 5 जा 125, ठीक है। सो 25 5 जा 125, सो 9 में से 5 गए 4, 2 नीचे उतारेंगे, सो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, सो 12 में से 5 गए 7,
थ्री में से टू गए वन, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे जीरो, सो 25 की टेबल में 170 नहीं आता है, सो 25 सिक्स जा, सिक्स फाइव जा 30, सिक्स टू जा 12, 13, 14, 15, सो 25 सिक्स जा 150, कितना बचा 20, सो 25 से 20 नहीं जाता तो जीरो लिख देंगे, सो 25 की टेबल में 200, सो 25 एट जा, ठीक है, सो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, सो 25 8 जा, ये 8 जा, ठीक है, सो 200, ठीक है, सो 1351.68 क्या आएगा आंसर, 1351.68, ठीक है, सो ये कॉस्ट आया पिलर्स का। तो आपने क्या किया, पहले आपने CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड कर दिया, 2πRH फॉर्मूला लगाया, फिर आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 24 से मल्टीप्लाई किया, और फिर आपने 8 से भी मल्टीप्लाई किया, देखो साथ में आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट आ गया। सो होमवर्क में क्या करना है आपको, जो मैंने दिया है आपको 10-10 टाइम्स फॉर्मूला लिखना है, क्लास वर्क पूरा वन टाइम लिखना है, और होमवर्क में सेम रिपीट करना है वन टाइम, ठीक है। सम्स डिफिकल्ट हैं, ट्राई करना, खुद से करना, ये तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, आप खुद करना, ठीक है। टू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी, थैंक यू।